हेलो एवरीवन, इंग्लिश लर्निंग विथ रिधिमा साहू में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से कुछ वर्ब्स को लर्न करेंगे, जो वर्ब्स जो है सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज़ की जाती हैं। यहाँ पर हमारा नया जो कुछ है वो पास्ट पार्टिसिपल का है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का है, ठीक है। इसमें जो भी हम कुछ भी नया है आज, इसका जो फर्स्ट और सेकंड, कुछ वर्ब ऐसी होती है जिसका फर्स्ट और सेकंड फॉर्म होता है, बाकी पास्ट पार्टिसिपल एक ही होता है हमने सीखा है, लेकिन कुछ वर्ब ऐसी होती है जिसमें हम उसको दो पार्ट में बांट सकते हैं और इनका जो है सेंटेंस में डिफरेंट टाइप से यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली हमारा ये जो हो जाता है बेस फॉर्म, ये हो जाता है पास्ट फॉर्म और ये होता है पास्ट पार्टिसिपल। इसको हम प्रेजेंट भी बोल सकते हैं बेस फॉर्म को, ये पास्ट और ये पास्ट पार्टिसिपल। इसके जो है दो जो है हमारा आज का जो सेशन है इसमें मेन जो है पर्पस है इन दोनों को सीखना, इन दोनों को सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं वो सीखना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन सारी वर्ब को एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कि क्या कैसे होती है। ये सबसे फर्स्ट है बाइंड, बाउंड, बाउंड, बाउंडन, ठीक है। बाइंड का मीनिंग होता है बांधना, ठीक है। सेकंड बांधा, बांधा, और ये होता है बाउंडन, ठीक है। शियर, शियर्ड, शियर्ड, शॉर्न। सीध, सीध्र, सीध्र, सोड़न, इसका मीनिंग जो होता है वो होता है उबलना। इसका मीनिंग होता है कतरना, किसी चीज़ को काटना, बड़ी कैची होता है नाउन को फॉर्म में। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रंकन। श्रिंक, श्रंक, श्रंक, श्रंकन। सिंक, सैंक, संक, संकन। गेट, गोट, कोट, कोटन। क्लीव, क्लेफ्ट या क्लॉव होता है इसका, क्लेफ्ट, क्लोवन। ग्रेव, ग्रेव्ड, ग्रेव्ड, क्रोवन। मेल्ट, मेल्टेड, मेल्टेड, मोल्टन। स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक, स्ट्रकन। अब इस सब जो है पढ़ने के बाद हमें एक चीज़ जो है कॉमन लग रही है इन सब में जो है इसकी फर्स्ट के साथ ई एन जुड़ी गया है ना। बस ये थोड़ी डिफरेंट है, इसमें शोर्ण आ जाता है, ये सोडन हो जाता है, बाकी सब में ई एन जुड़ गया है ना। तो वो अगर हम ई एन को ऐड कर लेते हैं फर्स्ट में, जो फर्स्ट में, तो हमारी सेकेंड बन जाती है पास्ट पार्टिसिपल की, ठीक है। एज अ एग्जाम्पल हम देखते हैं कि इनको कैसे यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म को, पास्ट पार्टिसिपल के फर्स्ट को और सेकेंड को कैसे यूज़ करते हैं इन सेंटेंस। तो वर्ब थर्ड के जो है फर्स्ट को हम जो है मेन वर्ब के मेन, जैसे कि हमारा ये होता है अगर हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। परफेक्शन, परफेक्ट टेंस बनाते हैं टेंसेस में तो हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो उसके रूप में जो है इस फर्स्ट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे हम, इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्ज़ाम्पल क्या है। तो द शीप हैज़ शंक, एस यू एन के, ठीक है। जो है जहाज जो है डूब गई है, तो इस ये वाला हमारा जो है सेंटेंस सही हो जाता है। अगर इसके जगह हम ये यूज़ कर ले कि द शिप हैज़ शंकन, तो ये गलत है, क्योंकि ये एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमें एज अ वर्ब यूज़ करना है डूब चुकी है, तो हम इस शंक का यूज़ करेंगे, वी वर्ब की थर्ड का इस फर्स्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर हम इसका एक और एग्जांपल देखना चाहते हैं तो हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं कि द ओल्ड मैन हैज़ ड्रंक मैन, सॉरी ड्रंक मच। एक और द ओल्ड मैन हैज ड्रंकन मच। तो ई एन वाली फॉर्म एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं और यहाँ पर हमें वर्ब मेन वर्ब चाहिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, क्योंकि एज हैज़ जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए यूज़ करने वाली हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे ड्रंक ही जो है सही होगा, ये जो है गलत हो जाएगा,
ठीक है। नेक्स्ट हम वर्ब के थर्ड के सेकंड को यूज़ करने के तरीके को समझेंगे, उसके फॉर्म को जो है पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के फॉर्म में इसको यूज़ करते हैं। जहाँ पर हमें पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर हम वर्ब के वर्ब थर्ड के सेकंड को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसका एग्जांपल भी हम देख लेते हैं कि इसका एग्जांपल कैसे बन जाता है। तो आई सा अ संकन शिप, यानी कि मैंने एक डूबते हुए जहाज को देखा। डूबते हुए यानी जहाज की या नाउन की अगर एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन को बताता है कि नाउन के बारे में बताता है, अबाउट नाउन, तो इसके बारे में बता रहा है कि डूबते हुए जहाज को देखा, तो यहाँ एडजेक्टिव ही आएगा। तो यहाँ पर अगर हम एस यू एन के यूज़ कर लेंगे वर्ब, तो ये क्या हो जाती है, हमारी गलत हो जाती है। और यहाँ पर ये वाला जो है एग्जांपल हो जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, वी मेट अ मच ड्रंक मैन। एक और, वी मेट अ मच ड्रंकन मैन, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही हो जाता है, यहाँ पर हमें एज पास्ट पार्टिसिपल की ज़रूरत है, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा, ये रॉन्ग, ठीक है। ई एन वाली फॉर्म हमारी क्या होती है, पास्ट पार्टिसिपल फर्स्ट की, पास्ट पार्टिसिपल के सेकंड फॉर्म, ओके। सो आज हमने वर्ब को वर्ब पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के भी टू टाइप होते हैं उनको सेंटेंस में सीखा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस चैनल ओके एंड हम कल और भी इस तरह की वर्ब को पढ़ेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।